आम आदमी पार्टी की नेता आदिफी जी ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी और जेल अथॉरिटी उन्हें ई संतुलित नहीं दे रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के पेशेंट है। केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर पहुंच चुका है, मगर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आतिफी जी ने जो भी कहा है, यदि यह सच है तो बेहद ही चिंताजनक है। जो सारे झूठ ईडी द्वारा बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए, कि झूठ बोलकर अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से, जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही है। यह क्या षड्यंत्र है, यह क्या साजिश है कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को, जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है, आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी, तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती।